उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज, समान नागरिक संहिता बिल पर नजर। मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने पटल पर रखा था यूसीसी बिल, पूरे दिन चर्चा के बाद स्थगित हुआ था सदन। आज सदन में यूसीसी बिल को लेकर हो सकता है मतदान, बीजेपी के पास 47 सीटें, यूसीसी पास होना करीब करीब तय। विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा बिल, राज्यपाल की अनुमति के बाद बनेगा कानून। विपक्ष आज सदन में यूसीसी ड्राफ्ट को प्रवर समिति को दिए जाने का रखेगा प्रस्ताव, समिति से एक महीने में रिपोर्ट पेश करने की रखेगा मांग। आप सांसद एनडी गुप्ता के घर छापेमारी पर बोली दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी, कहा केजरीवाल छापेमारी से डरेंगे नहीं। आतिशी ने ईडी पर भी साधा निशाना, कहा ईडी मीडिया में ये दिखाना चाहती थी कि वो छापेमारी कर रही है, उन्हें 16 घंटे की छापेमारी में क्या मिला। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला, उस 16 घंटे क्या हुआ, उस 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। आतिशी ने कहा ईडी ने अब खुद उतार दिया है अपना नकाब, ना कोई दस्तावेज ले गए, ना उन्हें सोने के बिस्किट मिले, ईडी अफसर सिर्फ 3 फोन ले गए। आतिशी ने कहा ये कोई ईडी जांच नहीं, सिर्फ दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कुचलने की साजिश है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता रक्ष सिंह रावत के घर रेड, उत्तराखंड से दिल्ली तक 12 ठिकानों पर ईडी का एक्शन। रक्ष सिंह से जुड़े लोगों पर भी प्रवर्तन निदेशालय की रेड, फॉरेस्ट लैंड स्कैम की जांच में जुटी ईडी। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रक्ष सिंह पर एक्शन, 2023 के अगस्त में विजिलेंस विभाग ने भी की थी कार्रवाई। 19 फरवरी से शुरू होगा लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, प्रधानमंत्री मोदी होंगे मुख्य अतिथि। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की होगी शुरुआत, करीब 14 एमओयू को किया गया शामिल। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का दोपहर 2 बजे अभिभाषण, 2024 लोकसभा चुनाव में जाने से पहले संसद में प्रधानमंत्री का होगा आखिरी भाषण। नीतीश कुमार 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर, अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलेंगे नीतीश। बिहार को स्पेशल पैकेज देने की भी करेंगे बात, बिहार में सीएम नीतीश कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार। कर्नाटक सरकार का दिल्ली में प्रदर्शन, केंद्र पर कर्नाटक के साथ भेदभाव का आरोप। प्रदर्शन के दौरान 5वें वित्त आयोग के तहत 5 सालों में कर्नाटक को हुए नुकसान की भरपाई की करेंगे मांग, 1.87 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का दावा। एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र सियासत में खलबली मची, राजनीतिक दलों में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी। चुनाव आयोग ने शरद पवार से मांगे 3 नाम, आज शाम 4 बजे तक इसी को देने हैं 3 नाम। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने शरद पवार को बताया फिनिक्स, कहा जो आज इधर उधर उड़ रहे उनको शरद पवार ने ही बनाया। चुनाव आयोग के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को बधाई दी, कहा लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान जरूरी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया, कहा ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो ने आई यात्रा जारी, आज यात्रा का 25वां दिन। ओडिशा के राउरकेला पहुंची न्याय यात्रा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विद्व्यास मंदिर में दर्शन किए। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा, चंदौली के सैयद राज में होगा यात्रा का पड़ाव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने समाजवादी पार्टी प्रमुख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता दिया, अखिलेश यादव ने न्योता स्वीकार करते हुए बधाई दी। 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थौबल से शुरू हुई थी राहुल की यात्रा, 15 राज्यों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी।